Now let's see the contrast of stretching. अब इसमें आप देख लें, कंट्रास्ट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी वैल्यूज ऑफ डार्कर एंड ब्राइटर पिक्सल्स. अब इसमें कंट्रास्ट हम किसको बोलते हैं कि मसलन अगर आपने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं तो ब्लैक कलर के कपड़ों के ऊपर आप जो बटन्स हैं वो कैसे आप लगाओ, ठीक है ना, कि इससे आपको गुड लुकिंग वो नज़र आए. ठीक है, ये एक मिसाल मैंने आपको दी. स्पेसिफिकली जो ख्वातीन हैं, लेडीज़ हैं, वो इस चीज़ का बड़ा केयर करती हैं कि मतलब उनके जो कपड़े हैं उनकी मैचिंग, उसका दुपट्टा, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो उसको किस तरतीब में रखें कि इट शुड लुक ब्राइट एंड क्लियर एंड गुड. ठीक है, तो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग में क्या करते हैं कि जो ब्राइटर पिक्सल्स हैं और जो डार्कर पिक्सल्स हैं, ठीक है ना, इसके बीच में डिफरेंस क्या है. मतलब अगर आप विद द डिम कलर, अब वेरी ब्राइट आपको करेंगे तो वो भी ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें मैचिंग करोगे, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से फिर आपको सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हाउ लॉन्ग एंड हाउ बेटर इट लुक्स गुड. तो कंट्रास्ट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी वैल्यूज ऑफ द डार्कर एंड द ब्राइटर पिक्सल्स. तो मतलब ये है कि अगर एक ही इमेज से आपने एक एरिया को गेट कर लिया तो उस एरिया में कुछ पिक्सल्स जो है डार्क होंगी. मसलन देखिए यहाँ पर इस इमेज में अगर आप देख लें यहाँ पर, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये एरिया ले लिया से, तो कुछ जो हैं डार्क होंगी, कुछ लाइट होंगी. तो इसमें और ब्राइटर के बीच में डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड अ कंट्रास्ट. सो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग एक्सपेंड्स द रेंज ऑफ इंटेंसिटी लेवल्स इन एन इमेज. अभी क्या करता है, इंटेंसिटी लेवल को ज़्यादा करता है. इन कंट्रास्ट क्या करता है, इंटेंसिटी लेवल को ज़्यादा करता है. अब देखें ना, इसमें कंट्रास्ट अगर मैं देख लूँ, ठीक है, मैं इस इमेज को थोड़ा ख़त्म कर देता हूँ, सॉरी वो इमेज मैंने हटा दिया था. और ये मैंने यहाँ पर अब इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है ना. अब इसमें अगर आप देखें ना, इसके ऊपर मैं कंट्रास्ट को अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना. ठीक है, ये तो इसके डिफरेंस को, यानी ब्राइटर और जो डिम उसके बीच में डिफरेंस को कम ज़्यादा करता है. इससे अगर आप इस साइड पर करेंगे, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, तो आप देख रहे हैं ना कि अगर आप इसको परसेंटेज जितना करोगे तो उतना ये फ़र्क ज़्यादा होता जा रहा है. यानी डार्कर जो है ज़्यादा डार्कर हो रहे हैं, ठीक है ना. आप देखें ना यहाँ पर, अगर दूसरे साइड पर आप ले आएँ तो जो ब्राइटर हैं वो डिम हो रहे हैं. बात की समझ आ गई कि नहीं, तो इफ़ेक्ट्स को वो हाइड कर रहे बाहर हाल. अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड द कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग. द कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग इज डन इन थ्री वेज, यानी इसको डबल करना या मल्टीप्लाइंग ईच इनपुट पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू विद अ कांस्टेंट स्केलर. यानी आपने उसको डबल कर दी तो जो वाइट होगा वो ज़्यादा वाइट हो जाएगा, लेकिन जो ब्लैक होगा वो उस रेशो से वाइटन की तरफ नहीं जाएगा. मतलब देखें ना, क्योंकि वाइट की वैल्यू तो से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो वाइट पिक्सल की वैल्यू क्या होगी, 255 या 200 210 एंड सो फोर. ब्लैक की क्या होगी, 1/2 होगी. तो 200 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा ब्राइटर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम 255 तक जाएगा, ज़्यादा ब्राइटर हो जाएगा. लेकिन 1 को या 2 को या 3 को, यानी पिक्सल वैल्यू अगर 1, 2 या 3 हो, यानी डार्क हो, और आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी इम्प्रूव होगी, लेकिन उस रेशियो से नहीं होती. आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग.
यानी दो को अगर आप यानी थ्री को अगर आपने टू से मल्टीप्लाई तो वो थ्री हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप हंड्रेड को टू से मल्टीप्लाई तो वो टू हंड्रेड हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। लेकिन टू अगर ब्लैक है या थ्री अगर एक पिक्सल की वैल्यू और वो ब्लैक है और आपने उसको टू से तो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन में इतना फ़र्क नहीं है मेरा ख्याल है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये एक तरीका है कंट्रास्ट को इंक्रीज करने का। अप्लाइंग अ ट्रांसफॉर्म विच मेक्स डार्क पोर्शन डार्कर, ये क्या करता है, डार्क पोर्शन को मजीद डार्क करता है बाय असाइनिंग अ स्लोप माइनस वन। अच्छा, ये अगर आप फोटोशॉप में अगर आपने काम किया है, ये वेब डिज़ाइनिंग आपको किसने पढ़ाया था? अच्छा, तो उसमें मेरे ख्याल में फोटोशॉप में हमने थोड़ा बहुत काम किया था ना, अगर आपको याद हो क्लास में, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें फिर ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप जो है वो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एक स्पेसिफिक पोर्शन के लिए आप चूज़ करके ना आप उसको चेंज आप कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अगर मैं फोटोशॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा तो शायद आपको ज़्यादा बेटरली समझ आ सके, ठीक है। तो अगर हम स्लोप को बढ़ाएंगे तो वो ब्राइटर की तरफ जाएगा, घटाएंगे तो वो डिमर की तरफ जाएगा। तो आप देखें ना यहाँ पर, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल हमने इसको वो कर दिया, ठीक है ना, ये तो कंट्रास्ट इस में ब्राइटर ज़्यादा होगा, अगर आप इसको नीचे की तरफ खींचोगे तो वो डिमर होता जाएगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ। तो मतलब आप उसको अगर फोटोशॉप में थोड़ा देख लें तो और ज़्यादा ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर चूँकि थोड़ा सा इशू ये है, या मतलब मेरे पास यहाँ पर फोटोशॉप है नहीं, ठीक है। अगर मैं कंट्रास्ट को इंक्रीज करता हूँ ना, तो देखें ना 30% इंक्रीज, तो ब्लैकर जो है ब्लैकर हो गए, ठीक है ना, और वाइट जो पोर्शन है वो ज़्यादा ब्राइट हो गए, आप देख रहे हो ना यहाँ पर, समझ आ गए कि नहीं? लेकिन वो यहाँ पर वो ग्राफ के फॉर्म में मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आपको इमेज में मैंने डिस्प्ले किया है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फोटोशॉप में या कोरल ड्रा में या ऑटोकैड में करोगे तो फिर उधर आपको ये चीज़ें फिर नज़र आएंगी, ठीक है। अच्छा, तो मतलब देखिए यहाँ पर कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग टॉप की तरफ किया तो ज़्यादा वाइटनेस की तरफ आप जाओगे, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल आप नीचे की तरफ आप इसको खींचोगे तो ये ज़्यादा ब्लैक की तरफ आपकी आएंगी, ठीक है। तो वाइटर जो है आपके साथ ज़्यादा वाइटर होंगे और ब्लैक जो है आपके साथ ज़्यादा ब्लैक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि एक इमेज है यहाँ पर, आपने यहाँ पर ले ली, ठीक है, ओरिजिनल इमेज है। अब इसके ऊपर अगर आप देख लें तो इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा वाज़ेह या क्लियर नहीं है, लेकिन जब आप इसके ऊपर कंट्रास्ट इफ़ेक्ट को अप्लाई कर दें तो वाइट जो पोर्शंस हैं ये ब्राइट, तो ये ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, और जो ब्लैक पोर्शंस हैं, देखें ये डार्ट्स आपको नज़र आ रही है इस एरिया में, जो ब्लैक आपको नज़र, ये ज़्यादा ब्लैकर हो जाएंगे, तब आप के पास ये इमेज जो है ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए जो मैटलैब की कोडिंग है ये है, मैटलैब आपने इंस्टॉल किया हो तो यहाँ पर इमेज का पाथ आप डाल देंगे, ठीक है, पाथ आपने डाल दिया, ठीक है, तो ये आपके पास ओरिजिनल इमेज अगर फॉर एग्जांपल ये हो तो ऐसे होगा, तो इसको ज़्यादा आप देखें विजिबिलिटी आप इसकी ज़्यादा है अगर आप ओरिजिनल के साथ इसको आप कंपेयर करें, ठीक है। तो इमेज एनहांसिंग का मतलब क्या है कि आप इसकी विजिबिलिटी को या क्वालिटी को ज़्यादा बेटर तरीके से डिस्प्ले करने की आप कोशिश करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है,
और ये आपका क्या है, कंट्रास्ट इफेक्टेड इमेज है। तो अब इसमें आप देख लें कि जो वाइट पार्ट्स है वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, जो ब्लैक है वो ज़्यादा मतलब आपको क्लियर नज़र आ रहा है एज कम्पेयर टू द वाइट। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो ज़्यादा मतलब अब आप इसको विजिबिलिटी आपको ये ज़्यादा बेटरली दे रहा है, मतलब अगर मैं इसको विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लूँ, ठीक है। ये डिफरेंट फंक्शंस है इसके हवाले से, ठीक है। एक फंक्शन ये है कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का, ठीक है, कि जिसमें आप जो है इसको इंक्रीज करते हो बाय इंक्रीज मल्टीप्लाइंग विद स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू को जो है आप इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है ना, कि कितने परसेंट आपने इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो दोनों एल्गोरिथम्स आप जो है, अच्छा अब आप देखें ना कि अगर हम इसको ले लें यहाँ पर, जो पहले हमने इमेज लिया था ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर ये वाला इमेज नेगेटिव में, तो ये आप देखें कि इसको आपने यहाँ पर लिया, ठीक यहाँ पर आपने इसका नेगेटिव बना दिया, तो इसमें भी आपने क्या किया कि जो साइंस है वो आपने उसको विजिबिलिटी दे दी और डार्कर को आपने ब्राइटर कर दिया और ब्राइटर को आपने डार्कर कर दिया। अब कंट्रास्ट में इसी इमेज को आपने लिया और क्या कर दिया आपने इसको इस फॉर्म में, तो अब आप देखें यहाँ पर कि ये पार्ट, तो मैं तो नहीं कहता कि ये वाइट है, लेकिन अगर मैं ये कहता कि इसकी वैल्यू से फॉर एग्जांपल 100 है और 100 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर तो इट बिकम्स 200, देखें तो ये ज़्यादा ब्राइट हो गया। अब यहाँ पर अगर ये वैल्यू 3, 4, या 5 होगी और आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 11, 12 फिर भी वो ग्रे या ब्लैक होगा, ठीक है, लेकिन वाइट बिकम्स वेरी वाइट एंड द डार्कर बिकम्स वेरी मच डार्कर। तब आप देखें यहाँ पर कि ये भी डार्क है लेकिन यहाँ पर इसकी जो डार्कनेस है ये और ज़्यादा बढ़ गई है, सो द इमेज बिकम्स मोर क्लियरली विजिबल एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन। अच्छा अब देखिए क्वेरी यहाँ पर मैं अगर आपको जो, अच्छा ये इसके हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम का फंक्शन यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आप इसको करोगे, ठीक है, तो इसके हिस्टोग्राम वैल्यूज़ को अगर आप देख लें तो इसमें ब्लैक का वो बहुत ज़्यादा है मार्जिन, लेकिन यहाँ पर आप देख लें तो इसमें ब्राइट का मार्जिन देखें बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, देखें ना यहाँ पर इसमें ये लाइन जो है ये इस ओरिजिन की तरफ ये ज़्यादा डेविएट कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो है अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है ये डेविएट कर रही है, ठीक है, तो इस वजह से आपको ये ज़्यादा क्लियरली ये विजिबल है, ठीक है। तो मतलब इसमें आप क्या करते हैं कि आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल्स है ब्राइट की वो इम्प्रूव आपने कर दी। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपने जब ब्लैक को तो 0 तो हर एक की वैल्यू नहीं होगी, जाहिर है कि थोड़ी चेंज होगी, तो वो देखे ना ग्रे लेवल में आ गई है, तो ये भी जो है आपके डेविएट कर गया फ्रॉम द 0 ओरिजिन टू अवे टू द ब्राइटनेस। आई थिंक बात की समझ आ गई, हाँ या ना। अच्छा अब देखिए इसके करने का मकसद क्या है, करने का मकसद इसका ये है कि अगर हम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो भी ये बात फिट आती है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि हम तो ये इमेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हम इमेज एनालिसिस एंड इमेज अंडरस्टैंडिंग की बात करें, ठीक है, अभी मेरे एक एमएस का स्टूडेंट था अली रज़ा, शायद आप जानते हों,
यहाँ पर टीचर भी था हमारे साथ, ठीक है, तो उसने साइन हैंड को लैंग्वेज के ऊपर अपना रिसर्च किया, ठीक है। इसके अलावा मेरे दो और स्टूडेंट्स हैं, इमाद और फरहद, एक फीमेल स्टूडेंट है फायज़ा, तो वो भी इसी इमेज और इसी से रिलेटेड जो है टॉपिक्स में वो रिसर्च कर रही है, ठीक है। तो इनका जो वर्क है वो इसके ऊपर है कि हाउ द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एन इमेज। मेरे बात की समझ आ रही है कि कंप्यूटर एक इमेज को कैसे अंडरस्टैंड करे। मसलन देखें, मैं ये कह देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इस इमेज में आई अवेलेबल है, लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस ओरिजिनल इमेज में ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आपने जब इसके ऊपर कंट्रास्ट इफेक्ट अप्लाई कर दिया तो आई जो है नाउ दीज आर वेरी मच क्लियर। बात की समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब इसको मैं एक और एंगल से लेता हूँ। अभी जो एक इंसिडेंट हुआ था आपको याद भी हो, मोटरवे इंसिडेंट केस, ठीक है ना, रेप केस, तो उसमें प्रॉब्लम ये आई कि मतलब जिसने वो केस किया देट वाज अ ब्लाइंड केस, यानी उसकी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब उसने फिर एटीएम को यूज़ किया, उधर से उसकी पिक्चर्स आ गई, नो देयर आर द मिलियंस ऑफ पीपल्स के जिनका डेटाबेस जो है नादरा के पास अवेलेबल है, लेकिन बैंक के कैमरे में उस बंदे की इंफॉर्मेशन आ गई, उन्होंने वो जाकर टैली कर और उस बेस के ऊपर उसको मिलियंस ऑफ पीपल से डिफरेंशिएट किया गया कि ये बंदा कौन है। तो एक क्राइम सीन या एक क्रिमिनल को डिटेक्ट या ऑब्जर्व किया गया। सिमिलरली जो है इमेज प्रोसेसिंग में या इमेज अंडरस्टैंडिंग में या इमेज एनालिसिस में, ठीक है, मशीन लर्निंग टेक्निक्स को हम अप्लाई करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मसलन मेरा जो एक स्टूडेंट है उसने इसको अप्लाई कर दिया कि जो ब्लाइंड डेफ पीपल हैं यानी बहरे, यानी जो बोल नहीं सकते, वो कंप्यूटर के सामने जो है बैठे हुए हैं और उसको टीच कर रहे हैं, टू टीच द कंप्यूटर। तो जाहिर है कि अब वो उसके सामने हाथ से एक सिंबल बनाएगा, कंप्यूटर का कैमरा उसका पिक्चर लेके अंडरस्टैंड करेगा कि इसने मुझे क्या कहा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? सिमिलरली जो है एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसको आपने एक इंफॉर्मेशन फीड कर दी कि एक ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर जो बुलेट है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी गोली। तो जाहिर है कि उस एक्सरे से वो फिर डिटेक्ट करेगा कि एक बुलेट जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे वो करता है, अगर आप उसका एक्सरे निकाल के आप उसको प्रोवाइड करोगे मशीन को, तो आपको पता है कि जो मतलब बोन है या इस तरह के मतलब जो आइटम्स है उससे एक्सरेज जो है पार नहीं हो सकती, सो दे विल बिकम ब्राइटर। लेकिन जो दूसरे उससे वो निकल जाती हैं तो वो फिर वो ब्लैक होती है, वो ब्राइटर होती है, लेकिन नेगेटिव में वो फिर वो वाइट हो जाती है और ये ब्लैक हो जाती है, ठीक है ना। तो ये मतलब मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मशीन जो है उसको फिर कंपेयर करता है अपने प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ और उस बेस पर फिर वो डिसाइड करता है कि आप इसमें बुलेट कौन सा है और एक बोन या फ्रैक्चर या अदर कोई चीज़ जो है वो कहाँ पर। विद दिस वी मेक एबल अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द इमेजेस एंड वी मेक द कंप्यूटर एबल टू गिव अस द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। बात की मेरे ख्याल में समझ आ गई, यानी
अच्छा, तो मेरे ख्याल में कि आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि जो लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, बदकिस्मती एक है कि ऑनलाइन क्लासेस में बर्डन फैकल्टी के ऊपर भी है और स्टूडेंट के ऊपर भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कोड मैंने कॉपी कर दिया आप लोगों को, आपने सिर्फ इस कोड को कॉपी करके यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। उधर पेस्ट करके उसको आप रन करें मैटलैब में, तो आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं मिल जाएंगे, ठीक है। विद दैट थैंक यू। आई एम डॉक्टर सईद इरफानुल्लाह फ्रॉम अब्बासीन यूनिवर्सिटी पेशावर।